चलिए आज हमारा लेक्चर है इंटरेक्टिव टूल्स, इंटरेक्टिव टूल्स। हाँ, उसमें कोरल में इस साइड में बने हैं शेडो, कॉन्टोर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड ऑन ब्लैक शेडो, जो कि हमारे टेक्स्ट पे भी और ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं इनको। शेडो मीन कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आराम से शेडो बना सकते हो आप लोग, ठीक है। इसकी लिस्ट लिखना चाहो आप लिख सकते हो, शेडो, कॉन्टोर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड एंड ब्लैक शेडो, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ भी तहरीर करते हैं हम लोग जी, हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं या राइट करते हैं हम लोग, तो आप देखोगे कि ये एलिप्स है, रेक्टेंगल, ये हमारे पास एलिप्स और ये हमारे पास पॉलीगॉन, ठीक है जी। इनको हम डिफरेंट कलर्स दे देते हैं, अब एक ब्रश सेलेक्ट करो। ये हमारे पास फर्स्ट एडिट शेडो, जैसे शेडो को क्लिक करोगे ऊपर देखो सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई इसकी, ठीक है। अब आपके पास माउस के साथ भी एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है शेडो का, अब उसको जिस साइड पे आप ड्रैग करोगे उस साइड पे आप उसको शेडो दे सकते हो। वेरी सिंपल, इधर कर लो, इधर टॉप लेफ्ट पर, टॉप राइट साइड पर, अब इसको टॉप बॉटम राइट पर रख के छोड़ दोगे तो वहाँ उसको शेडो लग जाएगा, ठीक है। और इस शेडो को अगर आप यहाँ से ड्रैग करते जाओगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस डिस्टेंस उसको ड्रैग कम करोगे डिस्टेंस कम होगा उसका, और ये जो आपके पास इसके दरमियान ये जो लाइन है इससे आप इसको लाइट एंड डार्क कर सकते हो आप, ठीक है जी। ये अगर कोई टेक्स्ट हमारे अगर इसको लेते हैं हम लोग, तो इसको भी ड्रैग करके दूसरा ऑब्जेक्ट आप ड्रैग सेलेक्ट करो, इसको डिसलेक्ट करो, फिर ड्रैग शेडो ले लो, इसको भी ऐसे ही आप शेडो जनरेट कर सकते हो। फिर उसी तरह इस ऑब्जेक्ट को ले लो, इसको भी वैसे ही जनरेट कर सकते हो आप शेडो, जैसे लाइक इसमें 3D ऑब्जेक्ट टाइप लग रहा है हमें। अच्छा, अगर हम यहाँ को टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करो आप, ठीक है जी। और इसमें हम थिक फोन ले लेते हैं, इसको भी टेक्स्ट ले लो, ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो से किसी भी साइड पर रख ड्रैग कर लो तो उसका भी शेडो ले लेगा वो, जस्ट लाइक दिस दिस, वेरी सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको इन सबको साइड पर रखते हैं हम लोग, इस साइड पर। अब इस पेज के ऊपर मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, उसका भी हम कलर ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। उस टेक्स्ट को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, उसको भी ब्लैक कलर दे देते हैं। अब ये इसमें जाके देखोगे इसमें इस वाले ब्लैक में और इस वाले ब्लैक में फ़र्क है, ये डार्क बिल्कुल प्योर ब्लैक है। अब आप इस टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करो, दोबारा जो ड्रॉप शेडो में, ड्रॉप शेडो में से आपने जो शेडो देना है उसमें से देखो, ये कुछ प्रीसेट्स मौजूद है मेरे पास, प्रीसेट्स में कुछ आपको डिफरेंट एंगल्स में दे रहा है आपको किस एंगल में आपको शेडो चाहिए, ठीक है, किस साइड पे चाहिए आपको, बैक पे चाहिए आपको, स्मॉल ग्लो चाहिए, मीडियम ग्लो, लार्ज ग्लो, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास। मैं यहाँ देता हूँ मीडियम ग्लो, इसको क्लिक करो तो वही ब्लैक आपको ब्लैक में से शो कर रहा है आपको वाइट के साथ, जो कलर है वो आप बेसिकली यहाँ से ले रहे हो, जो भी कलर लगाओगे वो कलर वहाँ से पिक फेच कर लेगा। और इसमें अगर आप प्रॉपर्टी को नहीं टच करोगे तो आउटर साइड हर साइड से आपको एक जैसा इक्वल साइज देगा। ये है जी इसकी ट्रांसपेरेंसी, फीदरिंग इसकी, सॉरी ये फीदर है, कितना आपने फीदर करना है इसको, और ये है जी इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंट है, और ये है जी आपके पास फीदरिंग डायरेक्शन, आपको इनसाइड चाहिए कि आपको मिडल में चाहिए कि आपको आउटसाइड चाहिए
या आपको एवरेज चाहिए, ठीक है, या गॉशियन ब्लर चाहिए। आप कहते हैं मुझे आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड में वो आउटर ग्लो साइड में ज़्यादा इफेक्ट करके देगा। यहाँ से आप इसकी इनसाइड आउटसाइड और ये इसके आगे फिर स्केयर में चाहिए आपको, लीनियर में चाहिए या इनवर्ट स्केयर या नीचे फ्लैट है, ठीक है। आप कहते हैं मुझे इनर स्केयर में चाहिए। अब यहाँ से भी आप इसकी ऑफसेट एक्सेस से वाई एक्सेस में चेंज कर सकते हो। ये देखो एक्सेस से वाई एक्सेस में ये आपके पास है, सब्ट्रैक्ट चाहिए आपको, इन्वर्ट, ये आप उसमें डिफरेंट उसके इफेक्ट्स हैं जिनको आप लगा के चेक कर सकते हो बारी बारी, ठीक है। इसको आप नॉर्मल रहने दो, ठीक है जी। ये आपका है ड्रॉप शेडो, ये आपका है जी इनर शेडो, ये आउटर साइड का शेडो। क्लियर, ख़त्म करना है, यहाँ से क्लियर कर दोगे इसको, क्लियर शेडो। कोई भी जितने आपके जो इंटरेक्टिव टूल्स हैं ना, सबका क्लियरेंस यहीं से होनी है जाके। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे सेम ये वाला इफेक्ट चाहिए, तो आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से आप ले लो ड्रॉप शेडो, और अब देखो यहाँ सारे आपके जो बटन्स हैं ऑफ हैं, अदर देन दिस, ये क्या है, कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज के, इसके ऊपर आपने एक दूसरे ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज वाले अप्लाई हुई हुई हैं, जिसने ब्लैक के ऊपर, ब्लैक के साथ येलो अपने अप्लाई किया है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपने इस पर कॉपी करनी है। आपको सारी प्रॉपर्टीज जाके छेड़नी ना पड़े। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम कहाँ से, ये देखो एरो, येलो के ऊपर रख के क्लिक कर दो आप, जस्ट लाइक दिस। तो इसके इफेक्ट को वो अपने ऑब्जेक्ट में वो कॉपी कर लेगा, वहाँ से दोबारा नहीं जनरेट करना पड़ेगा। अगर क्लियर करना है, दिस इज क्लियर शेडो, उसको क्लियर कर देगा, ठीक है जी। अब ये था हमारा फर्स्ट शेडो से रेलिवेंट। सेकंड हमारे पास है जी कॉन्टोर। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाया है, तो कॉन्टोर टूल क्या करेगा, वो इसको इनर साइड पर ड्रैग करोगे तो इनर साइड पर उसके स्टेप्स जनरेट कर देगा, आउटर साइड पर करोगे तो आउटर साइड पर स्टेप्स जनरेट कर देगा। कितने स्टेप्स चाहिए ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसका है जी डिस्टेंस, ये देखो, ये देखो, यहाँ से भी स्टेप्स कम ज़्यादा कर लो। थ्री फोर फाइव, बाकी सारे इसके ये राउंड कर रहा है उसको, ये बेवल काउंटेड कॉर्नर्स दे रहा है। राउंड चाहिए, राउंडेड चाहिए, आपको बेवल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लीनियर काउंटर कलर्स, आपको कलर्स में ना डिफरेंस दे रहा है, रेड में चाहिए और रेड के साथ आपको फिलिंग चाहिए जी हमें ग्रीन में। अब ये आपको कलर्स की शेड्स दे रहा है आपको, ये देखो थिक कर रहा है, ये थिन कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट, अब अगर एक्सेलरेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, बल्कि दोनों को, दोनों आपके आउटर साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं, अगर अंदर वाली साइड पे करोगे तो अंदर वाली साइड पे इंक्रीज हो जाएंगे। लॉक को अनलॉक करो, सिर्फ कलर करोगे सिर्फ कलर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट करोगे सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, कलर वहीं रहेंगे उसके, ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर कॉन्टोर, अगर आपको लाइन लेते हैं हम लोग किसी भी लाइन के साथ, क्लिक करो कंट्रोल के साथ, ये लाइन लगाइए, और ये मेरे पास है जी एस, जूम करो लाइन के राउंड लाइन दे देगा आपको, जस्ट लाइक दिस।
इसको क्लियर कर दो। नेक्स्ट इज ब्लेंड, ब्लेंड हमने ये ऑप्शन इलस्ट्रेटर में भी करके देखी थी हम लोगों ने, ब्लेंडिंग। अब ये टेक्स्ट हमारे पास है जी, इसको तो आप साइड पे कर दो, दिस इज योर टेक्स्ट, इसको आप ड्रैग करके कंट्रोल के साथ कॉपी कर दो, इसका कलर चेंज कर दो आप, ठीक है। इसका नीचे वाले का साइज थोड़ा छोटा कर दो आप। अब ये ऊपर है वो नीचे है, ये मेरे पास है जी ब्लेंड टू। ब्लेंड टूल से क्या करो, इसको ड्रैग करके ना यहाँ से तो उसके ऊपर रख के छोड़ दो, तो खुद ही मैग्नेट कर जाएगा वो। अब इसको सेलेक्ट करो, इसको कलर कुछ भी दे दो आप, ये देखो आउट एंड ब्लैक दे दो इसको ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ रखो। अब कोई रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, इसका जो कलर है मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब जस्ट इसको लेके इसको इसके साथ काट दो आप, अगर शेप डिफरेंट भी होगी ना ये वाली, तो उस शेप के हिसाब से फिर ये अपने आप को दरमियान से चेंज करता जाएगा। अच्छा, ब्लेंड में कुछ और काफ़ी चीज़ें हैं, मसलन मैं इसका साइज़ भी ना छोटा कर लेता हूँ, इसको येलो कर लेते हैं, इसको रेड में डाल देते हैं, दोनों को मैंने कर दिया ब्लेंड। अब हम क्या करते हैं जी, कोई भी मैं या इस टूल से कोई भी टूल ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करो, ये मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रही होगी, न्यू पाथ। यानी एक तो वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहा है ना, फ्रंट टॉप टू बॉटम, ये मेरे पास है न्यू पाथ। न्यू पाथ क्या कर रहा है, इस एरो को जिस लाइन पर रख के क्लिक करोगे ना, वो उस पाथ पे आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, वो आपकी मर्जी। राइट क्लिक करो, सेट ऑफ हो, इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के साइज बड़ा करोगे, अब यहां से करते हो आप स्प्लिट यहां से, इसको थोड़ा मैं अलहदा कर देता हूँ यहाँ से, लो आप स्प्लिट यहाँ रख के स्प्लिट कर दो, मतलब कि इसको उठा के यहाँ रखोगे तो वो इसका ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये स्प्लिट कर ले। अगर स्प्लिट वाले ऑब्जेक्ट का कलर चेंज है तो वो दोनों साइडों पे ब्लेंड करेगा, ये येलो है, इधर आपके पास रेड है, इधर ब्लू है, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट आपका, अगर इसको हम साइज यहाँ से बड़ा कर दें तो इनको हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, ब्लेंड डायरेक्शंस, ये ब्लेंड डायरेक्शंस हैं।
ठीक है जी, ये है हमारे पास ब्लेंड। अगर डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मीन कि आपके पास एक लाइन है, उस लाइन को हम लोग कंट्रोल क्लिक करके प्रेस किया मैंने, और यहाँ से ले लो आप डिस्टॉर्ट, यहाँ क्लिक करो, ये देखो मैंने सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ की जो है ना, जिपर टूल, इसको क्लिक किया, इससे वो उसको जिग जैग क्रिएट कर दिया उसने, ये देखो ये और स्टेप्स क्रिएट कर देगा इसके। और इसके साथ वाला ट्विस्ट, ये ट्विस्ट आपको, प्रीसेट्स में देखो ये ट्विस्टर आपके पड़े हैं। ट्विस्टर अगर आप यूज़ करते हो ना इमेज के ऊपर, डिस्टॉर्ट में ये ट्विस्ट, ये देखो इसको वैसे ट्रेस करना चाहोगे ट्रेस नहीं होगा आपसे। ये इसमें 25% डिस्काउंट, बम्पर ऑफर, इस टाइप की चीज़ें ऐड के अंदर आप डाल सकते हो चीज़ें, मतलब ये फजूल नहीं है चीज़ें, ये आपके टूल्स में एज ए गैजेट्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं। एनवेलप मीन के आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, और मेरे पास ये सर्कल है, मैं चाहूँगा ये टेक्स्ट इस सर्कल के साथ खुद ही अपने आप को कंटेन कर ले। टेक्स्ट को लो, टेक्स्ट सेलेक्ट, अपने टेक्स्ट को करना है, आप यहाँ से लेते हो एनवेलप, जिस तरह आप किसी पेपर को किसी इनवेलप में डालने के लिए आप इनवेलप के साइज के हिसाब से उसको प्रेस करते हो, उसको तय करते हो, उसको आप फोल्ड करते हो, उसी तरह इसको भी आप इनवेलप को क्लिक करके, तो आप देखोगे कि आपके पास ये ऑप्शन यहाँ आ रही होगी क्रिएट इनवेलप फ्रॉम, क्रिएट इनवेलप फ्रॉम को क्लिक करने से पहले आप इस जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना हमारे पास मैपिंग मोड, इसको आपने करना है वर्टिकल, मैपिंग मोड को आपने पहले वर्टिकल प्रेस करना है, उसके बाद आपने प्रेस करना है क्रिएट इनवेलप फ्रॉम, फिर से मैपिंग मोड में आपने वर्टिकल सेलेक्ट करना है ताकि जो करेक्टर है ना वो सीधे रहें सर्कल के अंदर, और ये जो है ना क्रिएट इनवेलप फ्रॉम इसको आपने बाद में क्लिक करना है, पहले नहीं करना, पहले अपने वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक करो, अब आपके पास एरो आ गया, वो कह रहा है किस सर ऑब्जेक्ट की बेस पर आपने इसको चेंज करना है, तो आप इस सर्कल के ऊपर क्लिक करोगे इस तरह से, तो वो आप जो ऑब्जेक्ट सर्कल की तरह हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, क्योंकि वैसे आपको अगर एकदम इस कमांड के बगैर आपको ये टेक्स्ट दिखाया जाए ना लोगों इस तरह से, आप यकीनन इसको ट्रेस करने बैठ जाओगे। ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसका मैं कलर ख़त्म कर रहा हूँ, मैं ये चाहूँगा ये जो टेक्स्ट है ये इसके अंदर आ जाए, तो दोनों को सेलेक्ट करो सी ई, ये आपने इसके साइज के हिसाब से कर दिया इसको, आप कोई और शेप ले लो आप यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से लेते हो कॉमन शेप्स, उसमें ये शेप्स आपके पास आ रही हैं काफ़ी सारी, इनमें से जिस मर्ज़ी शेप को ले लो आप, जो भी आपको समझ आती है कि यार ये मेरे ऑब्जेक्ट के करीब करीब है, तो आप यहाँ रख के यूँ ड्रा कर लो। ठीक है जी, आपने इसको ड्रा कर लिया, अब ये आपके पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ से ले लो क्रिएट इनवेलप इनवेलप, यहाँ से वर्टिकल सेलेक्ट किया है क्रिएट इनवेलप फ्रॉम,
अब आपने इस पर क्लिक करोगे, यस, ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज इनवैलिड, डू यू विश टू अगेन, यस। अब वो इसको ले नहीं रहा, इसको सिलेक्ट करके ना इसको आप क्या करो, ऑब्जेक्ट में जाके पहले कर दो कन्वर्ट टू कर। अब इसको लो, क्रिएट वैल्यू फ्रॉम वर्टिकल दिस वन एंड दिस, अब कर देगा। मैंने उसको आपने पहले कन्वर्ट टू कर्व किया, उसको पहले वेक्टर बनाया, उसको पहले आपने सिंपल वेक्टर फिर किया उसको। तो ये ऐसी इस तरह की शेप्स के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी फिर, जस्ट लाइक दिस। ठीक, अच्छा जी, इसकी समझ आ गई आपको मतलब की। द नेक्स्ट वी हैव द एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में हमने ऑब्जेक्ट को ना 3D बनाते हैं बैक साइड पे, उसको इन जिसकी डेप्थ इंक्रीज करके। जी देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक्सट्रूड में जाओ, सेलेक्ट करो, इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दो, तो आपने उस ऑब्जेक्ट का एक्सट्रूड जनरेट कर लिया। ये देखो इस टाइप की चीज। इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हम लोग इसको लेते हैं रेक्टेंगल को। अब देखो इसको, ये देखो इजीली हमें बना दिया ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके दोबारा शुरू में जाओ, इसकी बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। ये जो है आपका नज़र नहीं आता ना, ये पहले ये आपका वैनिशिंग पॉइंट है, वैनिशिंग मेन जो गायब हो जाता है, ठीक है। अब अगर वैनिशिंग पॉइंट को मैं यहाँ से डेथ इंक्रीज करना चाहूँ, तो इसकी डेथ आपकी इंक्रीज होगी और ये इसकी डिक्रीज होगी डेथ। ये सेम चीज आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ रखो इसको, इसको ले लो, यहाँ से एक्सट्रूड ले लो, इसको यहाँ से इसकी डेथ इंक्रीज कर लो, ये लो जी। अब इसको बैक साइड नजर ही नहीं आ रही, अब राइट क्लिक करके आउटलाइन क्लिक करो, अब 3D नज़र आ रहा है आउटलाइन देने की वजह से। अब आप ये चाहते हो कि जो आउट जो डेप्थ है इसकी, जो एक्सट्रूड एरिया है, उसको डिफरेंट कलर आ जाए, फ्रंट पे डिफरेंट कलर हो, दोबारा एक्सट्रूड पे क्लिक करो, ठीक है। ये देखो, दिस इज यूज ऑब्जेक्ट फिल, दिस इज यूज सॉलिड कलर, कौन सा, कोई भी सॉलिड कलर ले लो, तो बैक पे वो कलर आ जाएगा, ठीक है। आप कहते हो मुझे टू कलर चाहिए, दो से ज़्यादा, कौन कौन सा? एक चाहिए हमें पर्पल, दूसरा कौन सा चाहिए? दूसरा चाहिए हमें येलो, दूसरा येलो चाहिए, उससे मिलता जुलता ही हो गया। ये देखो अब बैक पे दो कलर हैं, ठीक है। ये है एक्सट्रूजन कलर्स, एक्सट्रूजन कलर्स, और इसमें आगे पहला सॉलिड है, दूसरे में आपका सिंगल कलर है, पहले आपका फिल है ऑब्जेक्ट फिल, दूसरा आपका सॉलिड है, तीसरा आपका है कलर शेडिंग्स, यानी आप डबल कलर दे रहे हो। इसका नाम है जी एक्सट्रूजन कलर्स, एक्सट्रूड से एक्सट्रूजन बनाया। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सट्रूजन बेवल्स। व्हाट इज बेवल? आपको इस पे समझ आएगा आपको बेवल। बेवल में हमने ये कलर दिया इसको, अगेन आप क्लिक करो जनाब एक्सट्रूड पर, ये आपके पास बेवल है। अब बेवल देखो आपका, ये बल्कि सॉरी ये लाइटिंग है, ये बेवल है, यूज बेवल, आपको इसके फर्दर डेथ क्रिएट करके देगा इसकी, इसका एक बाउंड्री की जो आउटलाइन है उसको वो एक्सट्रूड कर रहा है। ये देखो इसको आप हाथ माउस से डायरेक्ट पकड़ के भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो मुझे ओनली शो बेवल ओनली, तो फिर सिर्फ बेवल रह जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ये बेवल भी नहीं चाहिए मुझे,
ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आ रहा है जी हमारे पास, इसको मैं पहले कलर दे देता हूँ, मैं डबल कलर्स बेवल में ख़त्म कर रहा हूँ इसका, बेवल यूज़ बेवल ख़त्म कर दिए, और डबल कलर में हम लोग इसको कलर देते हैं ग्रीन के साथ रेड, और इसके साथ ही लाइटिंग, मतलब किस साइड से डार्क एंड लाइट करना है आपने इसको। अब ये लाइट नंबर वन ऑन करो, ये लाइट नंबर वन है, तो ये चूंकि ऊपर है इस साइड पर है, तो इस साइड से उसने शेड दे दिया, इसको उठा के यहाँ रखोगे नीचे तो यहाँ से लाइट देगा वो, यहाँ से लाइट चाहिए। अपने ग्राफ के जो बॉक्स लगा हुआ है ना, इसके अराउंड घुमाना है इसको, ये लाइट वन है, ये लाइट टू है, ये लाइट थ्री है, लाइट वन मैंने यहाँ रखनी है, लाइट टू यहाँ रखनी है, और लाइट थ्री इधर ही, ठीक है जी। अब इनको भी, लाइट थ्री को भी आप लाइट कर सकते हो, लाइट वन को सेलेक्ट करके भी लाइट कर सकते हो, लाइट वन को सेलेक्ट कर सकते हो, ये टू है, ठीक हो गया। दिस इज लाइटिंग इफेक्ट्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइट कम ज्यादा कर रहा है उसको, इनको ऑफ कर दो, ऑब्जेक्ट अपने ऐसी हालत में आ गए। फिर आपने इसको डबल क्लिक करो तो इसका वैनिशिंग पॉइंट इस तरफ है, इसको क्लिक करो तो इसका इस तरफ है, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट कर लो, ये आपके पास आता है जी शेयर वैनिशिंग पॉइंट, किसका, इसका। अब क्या होगा, अब इसको सेलेक्ट करो, इसको डबल क्लिक करके इसका वैनिशिंग जिस साइड पे मूव करोगे उसी साइड पे दूसरे वाले का मूव करेगा, ये देखो मैं मूव इसका वैनिशिंग पॉइंट कर रहा हूँ, तो साथ ये भी हो रहा है, क्योंकि ये इसके साथ लिंक हो गया, इसने इसको शेयर कर लिया आपस में। अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को ना एक साइड की डायरेक्शन देना चाहते हो तो फिर इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शेयर वैनिशिंग पॉइंट एक है, कॉपी वैनिशिंग पॉइंट मैंने किसी और का कॉपी करना है, किसका, इसका, क्योंकि ऑलरेडी उसको तो उसी उधर ही है, इसको दोबारा सेलेक्ट करो, यहाँ रखो। अब मैं कहता हूँ कॉपी वैनिशिंग पॉइंट किसका, इसका, इस वैनिशिंग पॉइंट को हम करने जा रहे हैं, वो इसका वैनिशिंग पॉइंट है इस तरफ, और चूंकि शेयर है मैं इसको उठा के लदा कर देता हूँ। अब इसको कहता हूँ तुम कॉपी करो इसकी डायरेक्शन को, और अगर हम इस सब्जेक्ट को कर देते हैं लॉक वीपी लॉक टू पेज, यहाँ लॉक हो गया। अब आप इस सब्जेक्ट को अगर यहाँ रखोगे, उसका वैनिशिंग पॉइंट भी लॉक होना चाहिए, इसको मैं करता हूँ कॉपी, नई फाइल में लेके जाता हूँ, ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लेटर साइज में शो करता हूँ इसको, लैंडस्केप। अब देखो आप, इसको हमने दिया है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड देने के बाद मैं कर देता हूँ लॉक ऑब्जेक्ट टू पेज। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आप देखो ये जो बेवल है वो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है। मैं यहाँ रखता हूँ, इसने उधर चेज फेस कर लिया, यहाँ रखता हूँ इधर कर लिया, यहाँ रखता हूँ इधर कर लिया, क्योंकि उसका वैनिशिंग यहाँ पे लॉक हो गया। अब ये घूमता जाएगा, ये इधर ही रहेगा, और इसके इसकी तरफ फेस करके चारों तरफ से चलता रहेगा, दिस इज लॉक वैनिशिंग पॉइंट। द लास्ट वन वी हैव दी ब्लैक शेडो, वेरी सिंपल, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना ये वाला,
इसको सेलेक्ट कर लो और ब्लैक शेडो को क्लिक करके जस्ट आपने ड्रैग करना है इसको, ये देखो हाँ रखो तो प्योर ब्लैक शेडो लग जाएगा इस तरह से। ऑब्जेक्ट दो नहीं है, ऑब्जेक्ट एक ही है, शेडो बन गया। इसको अगर जूम करो तो ये देखो कलर चेंज कर सकते हो जो भी चाहो। ठीक हो गया काफी इतना।